इलेक्शन इलेक्शन में कल राजस्थान में 23 तारीख को 23 नवंबर को चुनाव है, उनकी डेट निश्चित की है, वो बधाई के पात्र हैं सभी 5 राज्य। डबल इंजन की सरकार देश में मोदी साहब की सरकार को मजबूत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार जिस राज्य में जहाँ मिली है वहाँ विकास के कार्य तेज कर देख रहा है। 12 करोड़ परिवारों में नल से जल देने का काम देश में हो गया जहाँ डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान की सरकार पिछले 5 वर्ष में भ्रष्टाचार से महिलाओं पर अत्याचार को लेकर दुनिया में देश के अंदर ये राजस्थान राज्य क्राइम के मामले में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। ये हमें शर्मिंदगी महसूस कराता है माता बहनों का किस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति शोषण और अपमान हुआ है। उसी कड़ी में टोंक की जो जिला है इसकी जिले की जिम्मेवारी संगठनात्मक दृष्टि से चुनाव के रूप में सहयोग करने के लिए संगठन भेजा है। पिछली बार मेरे पास दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़ के जिले थे। इस बार संगठन ने पार्टी के ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं को लगाया है और उसी कड़ी में टोंक के अंदर आज हम यहाँ पर मालपुरा के अंदर हमारे कन्हैया लाल के यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, यहाँ पर मैं आया हूँ पार्टी में। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सांसद साहब, सबके नेतृत्व में पार्टी जो लोग चाहते हैं देश के लोग कि मोदी जी के हाथ और मजबूत हों। आज आपने देखा है देश का दुर्भाग्य है कि किस प्रकार कांग्रेस ने और खमंडिया गठबंधन के लोग चुप हैं और कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास किया कि हम हमास के साथ जो इसराइल पर किस प्रकार से अटैक हुआ है आतंकवादी गतिविधियों के कारण से कांग्रेस देश के अंदर एक विशेष समुदाय की वोट लेने के लिए उनका समर्थन कर रही है आतंकवादी गतिविधियों को करने वाले लोगों को। हमास में जो हुआ है वो निंदनीय है, दुनिया स्तब्ध है, माता बहनों की इज्जत लूटी गई, उनको किडनैप करके ले जाया गया। तो राजस्थान में जो तुष्टिकरण की राजनीति की 5 साल से सरकार चल रही है ये कांग्रेस के नेता राहुल जी ने अपना चरित्र बता दिया। कल वहां पर आतंकवादियों के समर्थन में बयान देकर जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसे बयान आने से ही लोगों की हिम्मत बढ़ती है, जो देश विरोधी ताकतें देश में रहती है, कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपने देखा, जामिया में, दिल्ली में आपने देखा किस प्रकार से लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उससे इनका साथ बढ़ाने का जो कांग्रेस कर रही है इसके लिए देश को समझना पड़ेगा। टोंक के जिले के लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार के लोगों को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए और जो भारत के अंदर हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम, शांति, अहिंसा, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र हमारा है कि दुनिया में सभी सुखी रहें, कांग्रेस ने उसको तार तार किया है भारतीय संस्कृति को कल हमास का समर्थन करते हुए। तो ये संगठनात्मक बैठक है, उस बैठक में हम लोग आए। हमारे यहाँ प्रभारी की कोई व्यवस्था नहीं है, सहयोग के रूप में बाहरी उम्मीदवार वो राजस्थान के रहने वाले हैं, इसी आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। और अगर बाहरी उम्मीदवार की बात करो तो दिल्ली में आज भी 6 से 7 दिल्ली से बाहर के विधायक हैं। तो आप राजस्थान के व्यक्ति को बाहरी उम्मीदवार बता रहे हो, ये कांग्रेस वाली भाषा है कि देश के लोगों को बांटना है आपस में, ये उस राज्य का है, ये उस स्टेट का है, ये उस डिस्ट्रिक्ट का है, ये जाति का है, इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों की मनोबल बढ़ता है। सर मूल सवाल ये है कि आप मालपुरा में आए संगराज बैठक में, पहले सूची जारी हो गई बीजेपी की, कांग्रेस यहाँ की जो विधायक है वो 2 बार जीत चुके हैं बड़े अंतर से, उसके बावजूद भी पहली सूची में इनका नाम नहीं आना क्या दर्शाता है? पहली सूची और बाद की सूची नहीं होता है, कुछ सीटें ऐसी होती है जिनमें घोषणा पहले की जाए काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक दृष्टि से विचार 10 स्टेज पर होता है, मंडल, जिला प्रभारियों की राय, जिला प्रभारियों की राय, प्रांत, प्रांत कार्य समिति, प्रांत चुनाव समिति, अखिल भारतीय चुनाव समिति, पार्लियामेंट्री बोर्ड। हमारे यहाँ एक खानदान की दुकान नहीं है, तो चर्चाएं होती हैं, जब 2-2, 3-3 नाम निकल कर आते हैं, कम नाम होते हैं उनके नाम जल्दी घोषित कर दिए जाते हैं, जहाँ आपस में मंथन होता है तो वो थोड़ा मंथन में टाइम लगता है, बाद में तय हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर देखिए मालपुरा को भी
इससे बड़ा दुर्भाग्य आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की कार्य समिति में आतंकवादी गतिविधि करने वाले, इसराइल की हमारी माता बहनों की इज्जत लूटने वाले, वहां पर अटैक करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है कांग्रेस के लोगों। सर हाल ही में मालपुरा को जिला बनाया है तो गहलोत ने मास्टर ये कागजों में लोगों को गुमराह करने के लिए 4 दिन या 5 वर्ष से मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत साहब, आप कहाँ थे, सो रहे थे क्या? या भ्रष्टाचारी विधायकों को रोकने के लिए उनके तलवे चाटकर सरकार चलाने में व्यस्त थे? मालपुरा के इतने हितेशी होते तो जिले की घोषणा 1 साल पहले 1.5 साल पहले होती, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता, सब कुछ हो जाता। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, 4 साल मजे मारते हैं, 4 साल ऐश्वर्या में रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जब चुनाव के 6 महीने रहते हैं तो एक घोषणा मंत्री घोषणा मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं। सर इस बार इतिहास रहा है ये कांग्रेस क्या? सर इस बार फिर से मालपुरा में बीजेपी हैट्रिक, मालपुरा में 30,000 लोगों से लोगों ने इज्जत सम्मान देकर लक्ष्मी यहाँ पर कन्हैया जी को जिताया है। इस पर बार भी कमल जो खिलेगा वो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, इनकी कर्मठता जो सामने देखा है। इस बार पिछली बार तो 5 साल भाजपा सत्ता में थी, उसकी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार तो प्रो इनकम्बेंसी होने के कारण से ये सीट हम 40 से 42 लोगों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी लोगों के आशीर्वाद से। नमस्कार।